नमस्कार, आप देख रहे हैं आई एनडी इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। रायगढ़ के धरमजयगढ़ की ग्राम पंचायत चुड़डीह ग्रामीण आज भी शौचालय के अभाव में खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि इस पंचायत को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद भी आलम जस के तस बने हुए हैं। ये क्षेत्र पूरा का पूरा हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जहां ग्रामीणों को शौच करने के लिए झाड़ियों और खेतों में जाना पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीणों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेखन जी, बताइए कि आप लोग के यहाँ शौचालय कितना निर्माण हो चुके हैं? शौचालय पूर्ण हो चुका है सर। कितना बनवाए हैं? 312। 312। शौचालय किसी का अपूर्ण थोड़ी है? अपूर्ण अभी तक नहीं है, और एक चार पांच का अपूर्ण था, उसको काम के लिए जारी कर दिए। जारी किए हैं। कब तक बन जाएंगे बाकी शौचालय? एक सप्ताह के अंदर पूरा हो जाएगा। तो यह तस्वीरें देखिए आपने, रायगढ़ के धरमजयगढ़ की ग्राम पंचायत चेड़ोडीह का, जहां पर आज भी लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि आनंद फानन में जो सचिव से सवाल किए गए तो मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आया। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशोक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, शौचालय निर्माण नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी ओडीएफ घोषित किया गया है गांव को। संचिता, बता दूं कि विकासखंड धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत चिड़ोडीह में लगभग 75% लोगों का शौचालय नहीं बना है, जिसके कारण वे जंगल की ओर शौच करने के लिए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है जी। अशोक, कितने घरों में लगभग शौचालय बने होंगे और कितने परिवार यहां पर निवासरत थे लगभग? जी, पंचायत के सचिव का कहना है कि लगभग 300 से ऊपर घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। चूंकि वहां गांव में हमने मुआयना किया तो यहाँ ये देखने को मिला कि गांव के अधिकांश घरों में शौचालय का निर्माण किया ही नहीं गया है। लगभग 20 से 25% लोगों के घर में शौचालय का निर्माण किया गया है। बाकी लोग जब से संपर्क किया गया तो उनका साफ साफ कहना था कि खुले में शौच करने के लिए जाते हैं और जंगल की ओर उनको झाड़ियों के सहारे शौच के लिए जाना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। अशोक, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में गुलाब यादव ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। गुलाब जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी गुलाब जी, घर में शौचालय निर्माण हुआ है? नहीं हुआ है मैडम। आवेदन किया था आपने? वो आवेदन तो किए थे, जैसे हर घर में बनना था, उसमें बहुत कम घर में बना है और जिसका बना है उसमें बैठने के लायक नहीं है वो। तो अभी भी घर घर की महिलाएं, आप लोग सब जंगल में जाते हैं, बाहर जाते, घरों से बाहर जाते हैं? हाँ, बाहर जाते हैं। कोई शौचालय तो जिसका बना है वो शौचालय भी सही नहीं है पूरा, कोई गिर गया है, किसी का दरवाजा नहीं है, किसी में वो नहीं है, पाइप नहीं है, किसी में गड्ढा नहीं है, ये सब है पूरा। तो गुलाब जी, लिस्ट में आपका नाम आया था या नहीं आया था शौचालय निर्माण के लिए? अब आया था तो बोलते हैं मैडम जी, बोलते हैं, लेकिन राशि नहीं आई उसकी? उसकी नहीं आई। और उसके बावजूद कागजों में दर्शाया गया है कि घर में शौचालय बना हुआ है? बना हुआ है वो होगा, लेकिन हम लोग देखे नहीं है क्योंकि मेरे को गड्ढा खोदने के लिए बोले थे जी। बाकी मैं गड्ढा खोद के रखा था रेडी, लेकिन इसमें मेरा शौचालय नहीं बना उसमें। तो आप लोगों ने सरपंच सचिव से चर्चा की इस संबंध में? हाँ, किए तो बोलते हैं कि नहीं, जिसका लिस्ट में था उसका बन गया है और नहीं लिस्ट में था उसका नहीं बना है बोलते हैं। जवाब नहीं देते और कब बनेगा ये भी नहीं बताते? उसका कोई गारंटी नहीं है मैडम, उसको तो बताते नहीं है। और जानकारी मिली है कि आपका गांव ओडीएफ घोषित कर दिया गया है? जी जी। इस पर भी आप लोगों ने सवाल जवाब नहीं किए कि शौचालय निर्माण हुए नहीं है आपके गांव में, अधिकांश घरों में नहीं बने हैं, उसके बावजूद भी ओडीएफ घोषित कैसे किया? अब क्या बोलेंगे मैडम, आप वही लोग जो भी बनाना रहता है बनाते हैं, नहीं बनाते हैं वही लोग के अंदर में रहता है। तो शिकायत नहीं की आप लोग? आपने शिकायत नहीं की? क्योंकि देखिए, अधिकार आपका बनता है, आपके घरों की महिलाएं सुरक्षित रहें, आप लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि हाथी प्रभावित क्षेत्र भी है, ये भी हमें जानकारी मिली है। बच्चे भी सुरक्षित रहें, बाहर ना जाएं, गंदगी ना फैले, कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व बनता है परिवार की सुरक्षा का। तो आवाज नहीं उठाई इसके खिलाफ? अब बोलते हैं तो हम लोग उधर से आएगा फिर हम बनवाएंगे, नहीं नहीं आएगा फिर नहीं रहेगा आप लोग का लिस्ट में। तो सीईओ के पास या फिर कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास आप लोग नहीं गए? सीईओ के पास नहीं गए? नहीं गए हैं। जाना चाहिए आप लोगों को, अगर अपने अधिकार की आवाज आप खुद नहीं उठाएंगे तो ऐसे में कोई और भी आपके हक के लिए नहीं लड़ेगा। गुलाब जी, उम्मीद करूंगी आप लोग भी शिकायत के लिए अपनी आवाज जरूर उठाएं। जिन भी घरों में शौचालय निर्माण नहीं हुआ है, आप लोग एकत्र
संस्थे हों, एकजुट हों और शिकायत के लिए जाएं, आवेदन दें। हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों के घरों में शौचालय निर्माण हो। अधिकारियों तक हम भी आपकी ये बात जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलाब जी। अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी इस गांव में कमी देखी जा रही है, क्योंकि लोग परेशान तो हैं लेकिन परेशानी कैसे बताएं, किस तक पहुंचाएं, ये कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है। लोग चुप करके घर में बैठना मुनासिब समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं डर एक मन में बैठा हुआ है। संचिता, इस बात को ये कहा जा सकता है कि ग्रामीणों में जागरूकता की कमी के कारण लोग जो है कहाँ जाएं, शिकायत क्या करें, ये कह सकते हैं। लेकिन ग्रामीण जो है उनके पास शौचालय बिल्कुल ही बना नहीं है। उनको गड्ढा खोदने के लिए बोला गया है, जो गड्ढा खोद करके तैयार भी किए थे, वहाँ तक शौचालय की राशि नहीं पहुंची, शौचालय बना भी नहीं है, न शौचालय की कोई। अशोक, कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रामीणों को अन्य योजनाओं से वंचित करने की धमकी दी जाती है आवाज उठाने पर? जी, ग्रामीणों को धमकी नहीं दी जाती है, कोई भी आवाज उठाने के लिए वहाँ के लोगों को दबा नहीं सकता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र जरूर है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं। और ये कहा जा सकता है कि वहाँ के जो लोग जागरूक लोग हैं उनका शौचालय नहीं बन रहा है, बाकी लोगों को क्या कहा जा सकता है। जी बिल्कुल अशोक, कहीं ना कहीं कमी तो देखी जा रही है। आपने इस संबंध में सरपंच से या सचिव से चर्चा की होगी? इस संबंध में हमने वहाँ के सरपंच और सचिव से संपर्क की और उनका साफ साफ ये कहना था कि हम शौचालय को एक सप्ताह के अंदर बनवा के देंगे बोलना था, लेकिन अभी तक शौचालय कई महीने बीत गए और शौचालय जो है किसी का बना भी नहीं। लगभग वहाँ 75% लोगों का शौचालय अधूरा है, जिसके चलते लोगों को खुले में शौच जाना पड़ता है। शौचालय बना ही नहीं है 50% लोगों का, और गाँव को फर्जी तरीके से रिकॉर्ड में ODF कर दिया गया है। बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में नितिन सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता, भी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका INE24 में। धन्यवाद नितिन जी। हम चिड़ोडी की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत चिड़ोडी धर्मजयगढ़ के अंतर्गत आने वाली। शौचालय निर्माण को लेकर काफी घोटाला हुआ है, जानकारी मिल रही है कि लगभग 20-25% ही गांव में शौचालय निर्माण हुए होंगे, लेकिन कागजों में इस गांव को ODF घोषित किया गया है। रायगढ़ जिले में अधिकांश जगहों पर यही हाल है जी। जिन गांवों को ODF घोषित किया गया है, जिन ग्राम पंचायतों को, वहां शौचालय बने ही नहीं है या बने हैं तो बहुत कम बने हैं। नितिन जी, जानकारी तो ये भी हमें है, लगातार इस पर कई बार पक्ष विपक्ष के वार प्रतिवार भी देखने को मिलते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सवाल ये कि ऐसे क्षेत्रों के लिए आवाज कौन उठाएगा, क्योंकि कागजों में तो उन्हें ODF घोषित कर दिया गया है और लगातार ग्रामीण परेशान भी इस संबंध में होते हैं। सरपंच सचिवों से जब चर्चा करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं टालमटोल ऐसे मामलों में करते हुए नजर आते हैं। राशि आती है, कई बार राशि का गबन हो जाता है, या फिर जो शौचालय निर्माण होते हैं बेहद ही आधे अधूरे होते हैं, लेकिन खामियाजा अक्सर ग्रामीण इसका भुगतते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता है और प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है। ऐसे कई मामले आते हैं, कई जांच के नाम पे लटका दिए जाते हैं और जांच होती ही नहीं कभी। नितिन जी, हम तो एक एक करके तमाम मुद्दे उठाएंगे ही, आवाज भी उठाएंगे ग्रामीणों की, लेकिन आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं कुछ सहयोग आपका भी इसमें ग्रामीणों के लिए? बिल्कुल, ग्रामीणों की तरफ से उनकी आवाज जो है प्रशासन तक हम भी पहुंचाएंगे और हो सकता है कि मैं कलेक्टर साहब से आज ही इस विषय पर बात करूं। जी बिल्कुल, आपसे हम चाहेंगे कि आप इस संबंध में प्रथम सरपंच सचिव से भी चर्चा करें, क्योंकि यहाँ पर वही सबसे ज्यादा टालमटोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक खास बात यह भी है यहाँ पर कि हाथी प्रभावित इस क्षेत्र को कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं जान का भी खतरा बना रहता है। घर की महिलाएं बाहर जाती हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, बुजुर्ग बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य तो यहाँ पर उनका खराब होगा ही होगा, गंदगी तो होगी ही होगी, कहीं ना कहीं जान का खतरा भी लगातार बने रहेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, इसको लेकर सर आप बात करेंगे अधिकारियों से? बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, हाथी प्रभावित क्षेत्र है, कहीं ना कहीं कई बार ऐसे मौके आए होंगे जहां पर ग्रामीणों को जान बचा के भागना भी पड़ा होगा। जी संचिता, बता दो कि ग्राम पंचायत चिरोडी जो है चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, पूरा जंगली क्षेत्र है और इस वजह से पूरा क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र कहलाता है, पूरा एलिफेंट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो गांव चिरोडी और भालू पकना और उसके जो मोहल्ले हैं वहाँ पर जो लोग हैं उनको शौच के लिए जंगल झाड़ी की ओर जाना पड़ता है, तो आए दिन यहाँ हाथियों से लोगों को जान माल की खतरा होते रहती है। जी संचिता,
लेकिन अशोक, सोचने वाली बात यह है कि लंबे समय से यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिला। सामाजिक कार्यकर्ता से भी हमने चर्चा करने की कोशिश की, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक आवाज उठाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। जी, ग्रामीण जो जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनका कुछ लोग का तो शौचालय बना है 5-10% लोगों का, लेकिन अधिकांश लोग का, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनका शौचालय अभी नहीं बना है। और ग्रामीणों में एक ये भय भी रहता है कि कहीं हम शिकायत करेंगे या फिर अधिकारियों को कहेंगे तो कहीं हमको इस बात को लेकर के पंचायत में दबाव मत बनाया जाए, ऐसा लोगों में एक शंका बना रहता है, जिसके कारण लोग शिकायत भी नहीं करना चाहते। अशोक, इस मामले को लेकर आपकी और कौन कौन से अधिकारियों से बात हुई? आपने सचिव से तो बातचीत की, उन्होंने एक हफ्ते का कहा भी, लेकिन वही सिर्फ आश्वासन ही मिला। इस पूरे मुद्दे पर आपने कौन कौन से अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए या संपर्क करना चाहा? इस विषय में हमने जनपद पंचायत धर्मजगड़ के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, जो CEO साहब है, उनसे संपर्क करना चाहा, क्योंकि उनके पास भी फोन पर संपर्क नहीं हो पाने के कारण कुछ बात नहीं हो पाई। और यहाँ से जो SDM साहब हैं, जो अनुविभागीय अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, चूंकि वो फोन रिसीव नहीं किए। और इस प्रकार यहाँ के जो और जनपद प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, या फिर यहाँ के जो जनपद सदस्य हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये जो कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे अधिक से अधिक और संपर्क नहीं हो पाई, ना ही किसी प्रकार की बात हो पाई। और अशोक, वहीं अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है शौचालय निर्माण को लेकर, ODF को लेकर, कितना पुराना बताया जा रहा है, कब से यहाँ पर आधे अधूरे निर्माण पड़े हुए हैं? वर्ष 2017-18 से लगभग यहाँ 350 लोगों का शौचालय निर्माण होना था, क्योंकि यहाँ लगभग 50 या 60 शौचालय ही बनाए गए गांव में, और अधिकांश जो शौचालय निर्माण के लिए राशि आई थी उसको सरपंच और सचिव जो है बंदर बांट कर लिए, उनके द्वारा राशि को आहरण करके गबन कर दिया गया, और किसी का भी शौचालय नहीं बन पाया है। जिनका भी बना था, लगभग 50-60-70 लोगों का जो शौचालय बना था, वो भी टूट फूट करके पूरा मिट्टी पलित हो गया, टूट करके पूरा धस गया। कई लोग का सीट नहीं है, छत नहीं है, किसी टॉयलेट में ना ही उसमें टंकी नहीं बना है, चेंबर नहीं लगा है, तमाम तरह का जो समस्या है, लोग उससे जूझ रहे हैं। जी अशोक, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 2017-18 का ये मामला है, ऐसे में जाहिर सी बात है राशि भी आई होगी, आहरण भी किया गया होगा, गबन भी किया गया होगा, और ये पूरा मामला जैसे जैसे संज्ञान में आता गया, काफी देर होती जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं इतने सालों में चुप्पी लापरवाही की ओर भी इशारा करती है। और सीधे सीधे देखा जाए तो कहीं ना कहीं संरक्षण भी देखा जाए इस मामले में, क्योंकि सरपंच सचिव अगर इतने सालों में भी शौचालय निर्माण नहीं करा सके, और सबसे बड़ी बात यह कि अधिकारी आते हैं, गांव को देखते हैं, तमाम जानकारियां लेते हैं, उसके बावजूद भी वहां पर शौचालय ना होने के बावजूद भी कागज में ODF घोषित कर देते हैं, एक बड़ी लापरवाही और एक बड़ा भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है पूरा मामला। जी, पूरा बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचार को इंगित करता है, क्योंकि यहाँ लाखों रुपए शासन प्रशासन की ओर से राशि दिया गया था शौचालय निर्माण कराने के लिए, क्योंकि इतने मोटी रकम का यहाँ पंचायत में राशि आने के बाद भी अगर शौचालय का निर्माण नहीं होता तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते यहाँ लगभग 30-35 लाख रुपए का बंदर बांट किया गया, जो शौचालय निर्माण से राशि आई थी उसको आहरण करके गबन कर लिया गया है। और उनके द्वारा सरपंच सचिव से संपर्क करने पर उनका हिसाब साफ कहना रहता है कि हम शौचालय बनवा करके तत्काल दे देंगे लोगों को, एक कहकर टाल मटोल जवाब दे दिया जाता है। जी संचिता, अशोक, उस समय में सरपंच सचिव कौन थे 17-18 की, जबकि ये बात कर रहे हैं हम भ्रष्टाचार की, जबकि बात कर रहे हैं, उस समय सरपंच सचिव कौन थे, इसके बारे में जानकारी है? सिविस्तानी करके वहाँ एक महिला सरपंच है, सिविस्तानी सरपंच थी, और अब भी वर्तमान में भी वही सरपंच है, और उस समय भी सचिव वहाँ के भीखन सा सचिव हुआ करते थे, अभी वर्तमान में वही सरपंच और वही सचिव है जिनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था। आपकी बात भी हुई है भीखन साय जी से, अशोक, क्या कुछ उन्होंने कहा इस मामले में, क्योंकि 17-18 का मामला है, एक लंबा अरसा गुजर चुका है इस पूरे मामले को लेकर, जवाब उन्होंने क्या दिए? राशि के बारे में आपने पूछताछ की होगी कि राशि आई गई कहाँ और ODF कैसे घोषित हुआ ये पूरा गांव? उनका एक कहना था कि हम शौचालय का निर्माण करवा रहे हैं और जो अधूरे जो शौचालय है उसको एक सप्ताह के भीतर हम शौचालय को निर्माण करा करके जो हितग्राही है उनको दे देंगे, उनका एक कहना था। लेकिन कई सप्ताह बीतने को जा रहा है, वर्षों बीत गए, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है, जो हितग्राही है, जो गरीब लोग हैं, जिसके नाम से शौचालय स्वीकृत हुआ था, उनका ना ही शौचालय बना, ना ही उनको राशि मिली, ना ही कोई सुविधा मिला,
इस तरह से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्राम पंचायत जीरो डी में अधिकांश घरों में शौचालय नहीं होने के कारण वहाँ के लोग जो खुले में शौच करने जा रहे हैं और आज इस स्थिति से जूझ रहे हैं कि आए दिन हाथियों के चलते उनकी जान भी जा रही है और लोग अपने जान गंवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी अशोक, वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के विधायक भी कांग्रेस के विधायक है लालजीत सिंह राठिया। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका भी दायित्व बनता है, वो कभी क्षेत्र में दौरे के लिए नहीं गए या ग्रामीणों की समस्या उन्होंने कभी नहीं सुनी? जी, धर्मजगढ़ के जो विधायक है लालजीत सिंह राठिया वो समय समय पर क्षेत्र का दौरा करते हैं और अधिकांश गाँव में जहाँ भी गए होंगे वहाँ कहीं ऐसा गाँव नहीं दिखा होगा जो पूर्ण रूप से ओडीएफ हुआ होगा। शासन ने जरूर, केंद्र सरकार ने यहाँ एक एक पंचायत को 50 लाख 60 लाख रुपए उपलब्ध करवाए थे क्योंकि ग्रामीणों को शौचालय उपलब्ध हो सके, लेकिन किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव पूर्ण रूप से शौचालय का निर्माण करवा करके लोगों को नहीं दिए, जिसके कारण लोग जो है आज खुले में शौच करने के लिए जाने को मजबूर है और इसका एक खमियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर अभी कोई ऐसा ध्यान नहीं दिए हैं जिनके द्वारा शौचालय निर्माण करा करके लोगों को देना था, वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। अशोक, ऐसे मामले में ये भी देखने को आता है जब भी हम इस तरीके के मुद्दे को उठाते हैं शौचालय निर्माण को लेकर, अक्सर यही सामने आता है कि तमाम जो ग्राम पंचायतें हैं उन्हें ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। अगर हम जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं तो वो पूर्व सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान ही इस पंचायत को ओडीएफ घोषित किया गया, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी भी बनती है कि ऐसे मामलों में जांच करें और आखिर पता लगाएं कि ओडीएफ घोषित किस आधार पर किया गया, और अगर कर दिया गया है तो वाकई उस गांव को ओडीएफ करवाने में मदद करें, शौचालय निर्माण में मदद करें। लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर ऐसे मामले अक्सर देखने में आता है, सिमट कर रह जाते हैं। जी, सरपंच और सचिव के खिलाफ में उचित जांच होनी चाहिए और जो विद्रोहियों के नाम से जो शौचालय निर्माण के लिए जो कई लाखों रुपए की जो मोटी रकम आई हुई थी उसको अगर उनके द्वारा अहरण करके गबन किया गया तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और शासन प्रशासन की मॉनिटरिंग की कमी के अभाव में यहाँ के जो क्षेत्र के जो सरपंच सचिव है उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और जो राशि उन्होंने अपने निजी कार्य के लिए व्यय कर लिया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसमें अगर कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता सामने आते हैं तो अवश्य उन पर कार्रवाई हो सकती है। अशोक, जाहिर सी बात है एक लंबा समय हो चुका है इस पूरे मामले को, गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। अगर हम सीईओ की बात करें, कलेक्टर की बात करें, एसडीएम की बात करें, ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि उन तक ये मामला ना पहुंचा हो या उनके संज्ञान में ये मामला ना आया हो। उन्हें जाहिर सी बात है जानकारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस मामले में एक जांच टीम का गठन कर जांच करवाएं और वाकई गांव को ओडीएफ घोषित करवाएं। जी, इस चीज का आवश्यकता है कि जो सीईओ है और जिला पंचायत के जो सीईओ है या फिर जनपद के जो सीईओ है, कलेक्टर है, उनके द्वारा बिल्कुल टीम गठित करवा करके इसमें उचित निराकरण के लिए जांच होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और तब जाकर के इस क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनको इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इस संस्था वहीं बात करें हम अशोक, इस पूरे मामले को लेकर जाहिर सी बात है ये एक ऐसा मामला नहीं होगा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा होगा। सरपंच सचिव लगातार इतने सालों से कई और मामले को लेकर भी लगातार भ्रष्टाचार करते आ रहे होंगे, ये पहला मुद्दा नहीं होगा कि शौचालय की राशि उन्होंने गबन की होगी। ऐसे कई और मसले होंगे इस गांव के, शौचालय ही नहीं, यहाँ जो लोगों को जो डबरी निर्माण जो होता है महात्मा गांधी मनरेगा के तहत जो उस योजना का लाभ भी लोगों को ढंग से नहीं मिल पा रहा है। जो डबरी निर्माण होना था, जो कुआं निर्माण होना था, जो लोगों का भूमि समतली के कारण कार्य होना था, ये सब तमाम कार्य लटका पड़ा है। अधिकांश जो लोग काम कर भी लिए हैं ग्रामीण, उनका मजदूरी भुगतान आज तक नहीं हुई है। तमाम तरह से जो समस्याएं लोग इससे जूझते हुए आ रहे हैं, पूरे ग्रामीण बहुत परेशान है यहाँ के जो सरपंच और सचिव से। अशोक, कुछ समय पहले अभी आपने कहा था कि ऐसा नहीं है कि इस गांव के लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं, कुछ जागरूक लोग भी इस गांव में रहते हैं, लेकिन वही जागरूकता ऐसे धरातल पर नजर नहीं आती। अपने कामों के लिए तो वो जागरूकता नजर आती है, लेकिन गांव के विकास की ओर जागरूकता नजर नहीं आती। जैसा भी आपने ये कई सारे मनरेगा के काम भी गिनवाए हैं कि ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, शौचालय निर्माण भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, तस्वीरें भी जो हमारे पास आपने पहुंचाई हैं उन तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं कि गांव में कितना विकास हुआ है और कितने विकास की और आवश्यकता है। ऐसे में पूरे गांव के लोगों को कहीं ना कहीं सरपंच सचिव से चर्चा करनी चाहिए, अधिकारियों के पास जाना चाहिए, एक बात रखनी चाहिए, आवेदन निवेदन भी देना चाहिए। गांव के लोग बिल्कुल आवेदन दिए हैं, निवेदन किए हैं प्रशासन से, शासन से, जिला पंचायत भी लोग गए थे, जनपद पंचायत भी लोग गए थे, लोग रायगढ़ कलेक्ट्रेट भी गए थे, क्योंकि वो लोग लिख पढ़ करके भी जो दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों का जो समस्या जो है समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनका समस्या जस का तस बना हुआ है, लोग
यहाँ समय पर राशन नहीं मिलता है लोगों को, समय पर किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलती है, तमाम तरह के सुविधाओं से लोग वंचित है। यहाँ जो मूलभूत की जो राशि आती है या फिर 14वें वित्त का राशि 15वें वित्त के जो राशि मिलती है पंचायत को, उसका भी किस प्रकार खर्च किया जाता है, किस मद में लगाया जाता है, इसका भी कोई हिसाब किताब पंचायत के पास नहीं जाता। इस तमाम तरह के मुद्दे से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। गांव क्षेत्र के जो लोग हैं वो कई बार इसके संबंध में जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को भी लिखित में दे चुके हैं, फिर भी इनका समस्या होता हुआ निदान नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके बाद भी अब हम देखते हैं कि आगे गांव के लोगों को समाचार चलने पर पता नहीं और कितने दिन बाद यहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाएगी। बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में अरुण मालाकार, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी जी, धन्यवाद। अरुण जी, हम धर्मजयगढ़ की ग्राम पंचायत चिड़ोडीह की बात कर रहे हैं। गांव में शौचालय निर्माण नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी इसे ओटीएफ घोषित कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी होगी इस गांव के संबंध में। जी 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 सर, एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है क्योंकि राशि भी आहरण की गई है। यहाँ पर 20 से 25 लाख की राशि आई थी, 350 के लगभग यहाँ पर परिवार निवास करते हैं। ऐसे में 20-25% ही गांव में शौचालय निर्माण हुआ है, ओडीएफ घोषित कर दिया। एक बड़ी लापरवाही, बड़ा भ्रष्टाचार। क्या मैडम, SBM का कुछ पैसा भी बाकी है जी, और पूर्व सरपंचों ने सब पैसा आहरण कर रखा है। ये धर्मनगर के चेरुडी नहीं, पूरे प्रदेश का ये हाल है। हर ग्राम पंचायत को CO ने ODF घोषित करा दिया, जनपद पंचायत को लेफ्टिनेंट ODF करा दिया, पूरा प्रदेश को रमन सिंह ने ODF करा दिया था। जबकि यथार्थ में देखें तो कहीं ODF वो खुले में शौच मुक्त गांव या पंचायत या ब्लॉक हुए नहीं है, और वो हमारी सरकार आते ही सर। लेकिन ये ना 2017-18 का मामला है, महिला सरपंच उस समय थी वो, और आज भी सेम वही सरपंच हैं। सचिव भी वहां पर भीकंस आए थे, पहले उसी समय वो ही थे, आज भी वही हैं। सर ऐसे में जब हमारे सहयोगी उनके पास पहुंचे चर्चा करने के लिए, एक हफ्ते का आश्वासन दे दिया। इतने साल पुराना काम सर, एक हफ्ते में वाकई क्या हो पाएगा, ये भी आप जरा सोचिए एक बार। उन पर जांच भी सर होनी चाहिए। जिला पंचायत CO को बोलकर हमने पूरा राशि जो बचा है 25-30% हमने रुकवा दिया है, और सत्यापन करा रहे हैं हम लोग। अगर सही में वो ODF पे हो जिनका शौचालय बना है उसका राशि दिया जाएगा, अन्यथा उसका राशि हम लोग रोक के रखे हैं जिला पंचायत CO को, जनपद CO बोल के। जी सर, जांच भी इस मामले में होगी। जी जी जी, जांच हो रही है। अगर ODF कम्प्लीट नहीं होते हैं, काम नहीं होंगे, मूल्यांकन नहीं होगा और उससे पैसा रिकवरी होगी। सर लेकिन जो अभी अधूरे निर्माण हैं या जिन घरों में निर्माण कार्य की वाकई आवश्यकता है, सर कब तक ये काम पूरा हो पाएगा? क्योंकि आपको भी जानकारी भली भांति होगी कि हाथी प्रभावित क्षेत्र है, घर में महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। जी पूरी जानकारी में CO जनपद धर्मनगर को साहू जी को बोला भी, पटेल जी को बोला भी है कि बहुत सारी शिकायतें धर्मनगर से आ रही है रहने को। ये समस्या पूरे प्रदेश में, पूरे सभी जिलों में है ये समस्या जी, और ऐसा ही हुआ है। और सचमुच बुलाएं तो ODF हुए नहीं है और ODF घोषित किया। बिल्कुल सर, जानकारी में है क्योंकि हम भी हर रोज इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, ग्रामीणों की आवाज बनने की हम भी सर लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा एक ही मसला नहीं है जहां पर शौचालय निर्माण ना हुआ हो और गांव को ODF घोषित कर दिया गया हो, ऐसे कई गांव हैं। रोजाना हम ये तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। सर आज फिलहाल हम चिड़ोडीह की बात कर रहे हैं, तो इस संबंध में आपसे एक जवाब चाहेंगे कि सर कब तक इस गांव में शौचालय निर्माण हो जाएंगे? क्योंकि वाकई ग्रामीण काफी परेशान है और कई उन्होंने शिकायतें भी हमारे सामने प्रस्तुत की है। ये तत्काल तो होने वाला नहीं मैडम, मैं महीने दिन का समय मांगता आपसे। जनपद CO को वो बोल के वो उस जगह का पूरे निर्माण को कंप्लीट कराए, अगर नहीं करते तो रिकवरी करके कार्य एजेंसी हम RES को या अन्य विभाग को हम लोग देंगे, जिससे निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अरुण जी, सिर्फ इतना ही मुद्दा नहीं है, यहाँ पर एक और बात ये भी सामने आई है, मनरेगा के तहत भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। उम्मीद करूंगी कि एक बार आप खुद भी जाएं और वाकई आप स्थिति से अवगत भी हों और आपको भ्रष्टाचार उजागर हो सकेंगे, आपको भी इसमें बहुत मदद मिल सकेगी और सरपंच सचिव जो भी यहाँ पर कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं आपके सामने भी मामला उजागर हो सकेगा। जी जी मैडम, मैं जल्दी से जल्दी कमेटी बना के ब्लॉक कांग्रेस की चेयरवुमन भेजता हूँ। बिल्कुल अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ जो आश्वासन आज आपने हमें टेलीविजन स्क्रीन में तमाम जनता के सामने दिए हैं वो वाकई जल्द से जल्द धरातल पर भी हमारे सामने नजर आए। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, अरुण जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, आश्वासन उन्होंने दिया है, जांच टीम बना के गठन की भी बात कही है और कहा भी है ऐसे तमाम जो गांव हैं जिन्हें ODF घोषित कर दिया गया है और लेकिन शौचालय निर्माण नहीं हुए, तमाम की सूची बनाई जा रही है और धीरे धीरे करके उन पर वर्क किया जा रहा है।
जी संचिता, आप देखना होगा कि जिला कांग्रेस कमेटी की ग्रामीण स्तर के जो जिलाध्यक्ष हैं अरुण मालाकार्जी, उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, और तो समय आने पर ही पता चलेगा। उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, हम बिल्कुल इस बात को एक महीना देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ की लोगों को वर्षों से जो समस्याएं जस्ट के पास बनी हुई है, लगातार लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं वहाँ, एक महीना और देखा जा सकता है, क्योंकि इनका आश्वासन के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। बिल्कुल अशोक, कहीं ना कहीं क्योंकि अभी जवाब भी इन लोगों के पास यही होंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, ठीक है थोड़ा इंतजार और सही, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि ये जो बातें इन्होंने टेलीविजन स्क्रीन के सामने तमाम अधिकारियों ने कही हैं वो वाकई जल्द से जल्द धरातल पर भी नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए, और लगातार इस खबर पर आप अपडेट भी लेते रहिएगा। तो आज हमने इनसाइट में बात की है चिड़ोडीह की, जहां पर शौचालय अभी तक निर्माण नहीं हुए हैं और आज भी लोग जंगल में खेत में जाने को मजबूर हैं। हाथी प्रभावित ये पूरा क्षेत्र माना जाता है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ साथ जान का भी खतरा यहां पर बाहर भी बना रहता है। आश्वासन दिए गए हैं, सरपंच सचिव पर पूरा भ्रष्टाचार का आरोप है। देखने वाली बात यह होगी कि जांच इन पर कब बैठाई जाती है। तो आईएनडी इनसाइट में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ।